हाँ तो चलो सीखते हैं कि निमास्त्र कैसे बनाते हैं। हाँ दीदी चलो हाँ चलो चलो शुरू चलो करो। बनाते हैं। हाँ तो दीदी हम सबसे पहले ये बड़ा सा ड्रम लिया है, इसमें 50 लीटर पानी डाला है और उसके बाद 5 किलो नीम की पत्ती है, जिसको कूट कर या पीस कर इसमें अच्छे से हिला देंगे। फिर उसके बाद 5 लीटर गौमूत्र इसको इसी में डाल देंगे। फिर उसके बाद 2 किलोग्राम गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर होना चाहिए, फिर इसमें डाल के अच्छे से गोल को हिला देंगे। इसके बाद इसको 24 घंटे में 2 या 4-5 बार हिलाएंगे। इसके अच्छे से हिलाने से फिर ये पत्ते 24 से 48 घंटे में सड़ने देंगे। फिर उसको सफेद कपड़े से ढक लेंगे। सबसे पहले हम नीम की पत्तियों को कूट रहे हैं, फिर इसके बाद पानी के ड्रम में डालेंगे। ये 2 किलो देसी गाय का गोबर है और इसमें हम 5 किलो गोमूत्र डालेंगे। फिर इसको अच्छे से गोल बना लेंगे। अभी इसको अच्छे से हम गोल कर रहे हैं, इसमें ये जो डलिए हैं जो उसको अच्छे से पीस कर रबड़ी टाइप बना रहे हैं इसको। ये गोबर जिसमें हमने 5 लीटर गाय गोमूत्र डाला उसको अच्छे से गोल बना दिया। फिर उस गोल को अपन 50 लीटर पानी के ड्रम में डालेंगे। गोमूत्र और गाय के गोबर को गोल डालने के बाद फिर हम 5 किलो नीम की पत्तियां पीसी हुई इसमें डालेंगे। एक मजबूत सा लंबा डंडा लेंगे जिससे हम 24 घंटे में 4 या 5 बार हिलाएंगे। फिर उसको कपड़े से ढक लेंगे और छाव में रख देंगे। और अब हम इसको 24 या 48 घंटे में इसको सड़ने देंगे। फिर इसको अपन अच्छे कपड़े से छान के इस बड़े से कैन या ड्रम में डाल देंगे। फिर 1 लीटर ये निमास्त्र लेंगे और 10 लीटर पानी में इस स्प्रे मशीन के अंदर डाल देंगे। फिर हम इसको फसलों पर आवश्यकता अनुसार सब फसलों पर छिड़काव करेंगे। लो हो गया, देखो निमास्त्र तैयार है ना, कितना आसान और सरल तरीका इसको बनाने का। चलो बैठ के बात करते हैं।